इन्हें ताली लगाएगी। वो है पत्थर, उधर एक पत्थर, एक बेकार देते ना बस, बंदे को उसके रास्ता है यहीं तक। यहाँ के बाद रोड जा चुका है और हमारी जो डेस्टिनेशन है वो पा रहे हैं, ये टॉप जो दिख रहा है ग्रीन भी, यहाँ से अब पैदल जाना है। सो गुड मॉर्निंग, सुबह का हो चुका है वक्त और आज मैं लकड़ी वाले घर में, बिकॉज आई एम इन हाइट्स। आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा ये भी मैं आपको दिखाऊंगा इसी व्लॉग में। अभी पहले बाहर का व्यू देखो। तो ये जर्नी स्टार्ट होती है रामपुर बुशहर से किन्नौर की ओर रूपी। तो सबसे पहले एंट्रेंस गेट आया और जो हमने पार किया, देवभूमि किन्नौर में जिला प्रशासन आपका स्वागत करती है। अब जाते हैं हम आगे की ओर। टेढ़े मेढ़े पहाड़ और थोड़ा थोड़ा जाम लगने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके चौरा, जहां पे चौरा में गाड़ियां रुकती है और थोड़ा इन्फॉर्मेशन ली जाती है। चौरा के बाद जो लिंक रोड जाता है नीचे को, वो जाता है रूपी वैली, हिडन प्लेस ऑफ किन्नौर। शुक्र है ये रोड में नहीं बैठ गई, वो नहीं माए, वही सोचे थे पूरे। जितना खतरनाक रोड उतना ही सुंदर नज़ारा था इन रास्तों में, क्योंकि पहले हम तीन बैठे थे गाड़ी में, तीन के बाद हो गए हम नौ एक ही गाड़ी में, जिसे ग्रीन वैली कहा जाता है। बिकॉज यहाँ पे हर जगह पानी मिलेगा, एक जगह दो जगह झरने झरने मिलेगा। गाड़ी में पहले हम तीन थे, अब नौ नौ हो चुके हैं। ऐसी है यात्रा की जर्नी। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे, कौन सी जगह, हम यहाँ पहुंच चुके हैं शिगारचा में। और यहाँ पे अब गाड़ी हो जाएगी बंद, क्योंकि रास्ता आगे को रोड ख़त्म है और हमारी डेस्टिनेशन बहुत ही ज़्यादा दूर है। दिखाते हैं आपको, ये रास्ता है यहीं तक। यहाँ के बाद रोड जा चुका है और हमारी जो डेस्टिनेशन है वो पा रहे हैं, ये टॉप जो दिख रहा है ग्रीन भी, यहाँ से अब पैदल जाना है। इतने बंदे एक ही कैंपर के अंदर थे। पहले तो मुझे लगा कि ये इतना खतरनाक रास्ता है, कैसे पार करें इस रास्ते को, क्योंकि मतलब टफेस्ट बोले तो टफेस्ट। फिर उसके बाद जब हम अंदर घुसे, खुद देखना आप, वेरी डेंजरस, जाना ही टफ है। और यहाँ जो हमें समझा रहे हैं, क्योंकि ऊपर देखो आप, उफ, नीचे वही टोपी ना गिर जाए। ये है रूपी के बंदे जो हमारी पूरी सहायता कर रहे हैं। This is the destination. बोर्ड दिखा सबसे पहला गांव,
हुरवा हुरवा फर्स्ट प्लेस हुरवा। और ये रिवर कौन सी जा रही है, क्या है ये खड्ड रूपी खड्ड वो यार। तो अभी टाइम हो चुका है 7 और अभी हम चले सिर्फ 15 मिनट्स, अभी आगे बहुत लंबा सफ़र है, देखते हैं हम कितने टाइम में पहुंचेंगे। तो गाइस यहाँ से जो आगे रास्ता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि खड्ड बहुत ही ज़्यादा भर चुके हैं। ये तो छोटा खड्ड है, आगे आवाज़ सुन रहे हो काफ़ी बड़ा खड्ड है। चलो वापस जाना पड़ेगा। तो लगभग टाइम हो चुका है 8:45 और हमें अभी भी यहीं पे गंगोट जंगल में 7:45 सॉरी काफ़ी ज़्यादा मतलब नालों को पार कर करके जंगलों में चले गाइस। हाँ वो बैटरी होता है, वो ये नाला पार करके जाना है। रात हो चुकी है, 8:30 बज चुके हैं। पकड़ तो ये बड़ा टॉर्च लगाता हूँ, जा पाएंगे रुको नहीं दिख रहा नहीं लाऊंगा। तो राजकीय प्राथमिक पाठशाला नालिंग में पहुंच चुके हैं, अभी फिलहाल आधा रास्ता कवर हुआ है, शुक्र मानो बारिश नहीं आ रही बस। तो इनका स्टेशन आ चुका है मझगांव और अभी हमारा मंजिल बहुत ज़्यादा दूर बैठा। तो इसी के साथ एक और दोस्त भी हमारे जाते हुए, और विनू भाई का जो घर है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर, थक चुके हैं बुरी तरह। चलो